नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल स्टॉक मार्केट। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल अकाउंट को हिट करके जरूर ऑल बी सेलेक्ट कर लीजिए। लेटेस्ट वीडियो की बात करें अपोलो ट्यूब से रिलेटेड, कल के दिन वीडियो आ चुके, तो बहुत ही अच्छी कंपनी आने वाले टाइम पर आपको 2000 के भी ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगी। जरूर स्टॉक को फोकस में रख सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, जब भी गिरावट में मौका मिले तो इसको स्टॉक को पिकअप कर लीजिए। फ्रेंड, आज के दिन बहुत सारे स्टॉक को कवर करेंगे। सबसे पहले HDFC AMC की बात करें तो इसमें ABDRN मैनेजमेंट करके ग्रुप था, जिसने 6% के आसपास की जो ये प्रमोटर में आते थे, उन्हें जैसी माल बेचा तो डेफिनेट मार्केट को वो चीज़ पसंद आई, जिसके कारण अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। ये अभी क्लियर नहीं हुआ कितने परसेंट माल बेचा गया, 6% के आसपास का देखने को मिल रहा है, बट वैल्यू की अगर बात करें 2520 करोड़ के आसपास की वैल्यू देखने को मिल रही है, जिसमें 1.3 करोड़ के शेयर, मतलब क्वांटिटी में अगर बात करें 1.3 करोड़ शेयर बेचे गए हैं, तो जिसका मार्केट ने इसको चीज़ को अच्छा खासा वेलकम करते हुए देखने को मिला है। फ्रेंड, नेक्स्ट कंपनी की बात करें मॉक्सचिप की बात करें तो कंपनी में आज भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, करीब 8.5% की तेजी देखने को मिली। इसके पीछे की वजह क्या है, चाइना ताइवान के पीछे जो फाइट होने जा रही है, तो ताइवान सबसे ज़्यादा क्या करता है, सेमी कंडक्टर की चिप्स बनाता है, और ये भी कंपनी क्या करती है, जो सेमी कंडक्टर की चिप्स बनाती है, जिसका फ़ायदा क्या होगा, जितना ज़्यादा वहाँ पे मतलब ये चीज़ का दिक्कत देखने को मिलेगी, तो उतना ज़्यादा स्टॉक ऊपर आपको भागते हुए देखने को मिलेगा। मतलब जितना ज़्यादा ताइवान के लिए प्रेशर बनेगा, उतना ज़्यादा स्टॉक के लिए स्माइल वाली बात होगी। तो इंडिया कंपनी जरूर स्टॉक को फोकस रखे, बहुत ही अच्छे रिटर्न भी दे रहा है। अगर बात करूँ 5 दिन में भी देख सकते 3%, 1 महीने में देख सकते स्टॉक ने 36% के रिटर्न दिया, 6 महीने की बात कर 4%। रिस्की स्टॉक्स की कैटेगरी में आएगा, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है बहुत ही छोटा देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें मोलटेक पैकिंग, जब ये स्टॉक 550-600 रुपये के आसपास था, तब से मैं इस स्टॉक को कवर करते आ रहा हूँ। आज देख सकते हैं स्टॉक करीब 1000 के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है, लगातार स्टॉक में तेजी भी देखने को मिल रही है। आज के दिन ही कंपनी ने 52-week हाइक भी लगाया है, तो कंपनी के जो Q1 के रिजल्ट देखने को मिले थे उसके बाद बहुत ही अच्छी ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही है स्टॉक में, और भी अच्छा देखने को मिलेगी। जरूर ये स्टॉक का मैंने टारगेट भी दिया था 1000, तो देख सकते हैं स्टॉक जैसी मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी, तो जो जो स्टॉक का मैंने टारगेट दिया था वो अचीव होते हुए देखने को मिल रहा है। जरूर प्ले लिस्ट में जाकर मोलटेक की पुरानी वीडियो भी देख लेना, आपको उसमें पता लग जाएगा। बात करेंगे कंपनी में आज के दिन भी देख सकते 7% की तेजी, 5 दिन में देख सकते 17%, 1 महीने की बात करें 30%, 6 महीने की बात करें 37%, 1 साल की बात करें तो 1 साल में 96% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। मतलब एक प्रकार से आपका 1 साल में पैसा डबल कर दिया। अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 5 साल में पहले कंपनी में इतना दम देखने को मिला था, कोविड के बाद स्टॉक में बहुत ही ज्यादा दम देखने को मिल रहा है। कंपनी करती क्या, तो कंपनी आपको बताना चाहूंगा, ये प्लास्टिक के डब्बे बनाती, प्लस स्टील के जो भी पेंट्स के जो बर्जर पेंट हो गया, एशियन पेंट हो गया, सब इसका क्लाइंट देखने को मिलता है। जो भी पैकिंग का काम रहता है वो ये कंपनी करती है, तो कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिला। आने वाले टाइम पे आपको 1500 के भी ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। जरूर पुरानी विजिट प्लेलिस्ट में जाके इसकी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें आपको पूरा डिटेल में एनालाइज भी किया है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे अदानी विलमार लिमिटेड, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अदानी के जो भी स्टॉक आपके पास है, कोई भी अदानी विलमार, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी गैस, कोई भी अदानी पोर्ट, सारे स्टॉक आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इन स्टॉक जो रहते हैं ना, ये फ्यूचर के लिए बाइंग होती है। मतलब कि आज नहीं, आज के 5 साल आगे मार्केट सोच के चल रहा है कि इनके स्टॉक बहुत ज़्यादा भागते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि जो गौतम अदानी वो अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, जिसके कारण से इन स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। बात करेंगे स्टॉक, देख सकते 600 रुपये के आसपास भी, 500 रुपये में भी इसका वीडियो बना था, तो वो भी आप देख सकते हैं कि जब भी स्टॉक में तेजी आएगी तो भयंकर तेजी देखने को मिलेगी। 1 महीने की बात करें 11%, 6 महीने की बात करें 92%, 1 साल की बात करें तो 158% के रिटर्न ऑलमोस्ट दे चुका है कंपनी। बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के अदानी पावर की, तो ये स्टॉक में भी भयंकर रिटर्न बन रही है। जब से 100 रुपये के नीचे था तब इसमें वीडियो बनाया था, और आप देख सकते हैं अभी 400 रुपये के आसपास भी जाते हुए देखने को मिला। आज ही के दिन कंपनी ने 52-week हाइक भी लगाया, वो पूरा स्टॉक अपर सर्किट में बंद होते हुए देखने को मिला। तो ये स्टॉक ऐसे ही चलते हैं, अपर सर्किट में बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो गिरते टाइम भी इसमें आप ये चीज़ रखना कि गिरते टाइम भी आपको लोअर सर्किट में ही देखने को मिलेंगे। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उठाइए, क्योंकि जब भी आपको गिरावट में मिले स्टॉक तभी आप इसमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए। बात करें 1 महीने में भी अच्छे रिटर्न है, 6 महीने की बात करें 175% रिटर्न, 1 साल में देख सकते 300-350% के रिटर्न देखने को मिले। वो भी पीरियड की बात करें तो सिर्फ लास्ट देख सकते हैं अप्रैल से अभी तक में ही कंपनी ने 250 रुपये से ज़्यादा का रिटर्न दे चुकी है। तो कंपनी जिनके पास भी होल्ड कर सकते हैं, आने वाले टाइम पर अच्छे रिटर्न भी बन सकते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए स्टॉक है जो पावर के, सोलर के, ये फ्यूचर में आपको और अच्छे रिटर्न भी दे सकते हैं। बात करेंगे मदर एंड सुमी की, तो मदर एंड सुमी भी देख सकते हैं आज के दिन बहुत ही दिन बाद 4-4.5% की तेजी देखने को मिली। इसके पीछे का कारण है कि कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया, जिस
जिसके मतलब जिसके पास भी दो शेयर हैं उसको एक शेयर मिल जाएगा। तो आपके पास जैसे 13 शेयर है, दो शेयर, तीन शेयर है, पाँच शेयर, मतलब जो भी है आप इसमें एक एक क्वांटिटी आप ऐड ऑन कर लेना, जिससे आपको दो के बदले एक शेयर मिल जाएगा। तो कंपनी ये भी अच्छी है, बट इसका जो मेन है वो आपको बोनस के रूप में देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी कंपनी, आप होल्ड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिटर्न बनते हैं, बट अभी की बात करें शॉर्ट पीरियड में इतने खास रिटर्न नहीं बने, तो बट लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है, जरूर उसको स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। बात करेंगे HDFC लाइफ, इसमें भी आज बहुत ही टाइम बाद अच्छी खासी भागते हुए देखने को मिले, स्टॉक में करीब 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। एक महीने की बात करें फ्लैट 5% के रिटर्न, 6 महीने की बात करें 3.5% के नेगेटिव रिटर्न, 1 साल की बात करें देख सकते हैं 14% के नेगेटिव रिटर्न, 5 साल की बात करें जब से कंपनी लिस्टेड हुई है तब से देख सकते हैं 65% के आसपास रिटर्न बन चुके हैं। बट आने वाले टाइम पर बहुत ही अच्छे स्कोप है स्टॉक में, क्योंकि जो आने वाले टाइम पर लोग हैं सब लोगों को पता लग गया कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने की, तो कई लोग अब बहुत ज़्यादा अडेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। इसका क्या, हर जन चाह रहा है कि मेरा भी हेल्थ इंश्योरेंस करवा लूँ, क्योंकि फ्यूचर में आप कभी भी हॉस्पिटलाइज होते हैं तो 5-6 लाख रुपए का आपका बिल बन जाएगा। तो डेफिनेट आप अगर इंश्योरेंस लेके रखते हैं तो आपको वो चीज़ आपको जेब से नहीं डालनी पड़ेगी, इंश्योरेंस कंपनी वेयर कर लेती है। बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, अदानी पोर्ट्स के ऊपर। तो कंपनी में इसमें भी आज बहुत ही टाइम बाद अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, आज करीब 825 रुपए के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। 5 दिन की बात करें फ्लैट परफॉर्मेंस, 1 महीने की बात करें 12% के रिटर्न, 6 महीने की बात करें 12%, 1 साल की बात करें 19%। ये स्टॉक की बात करें तो इसमें ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिली अभी तक, बट इन फ्यूचर इसमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपको पता है बाहर के भी जो कंट्री के पोर्ट्स है वो भी ये कंपनी खरीदते हुए देखने को मिल रही, तो इन फ्यूचर इनका बिजनेस और भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, तो डेफिनेट आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा फायदा होगा। बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक की IEX के बारे में, तो बहुत ही लोग परेशान थे, तो आज देख सकते हैं अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। अप्स एंड डाउन्स हमेशा स्टॉक में चलते रहेंगे, बट लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी जो है वो आपको अप ट्रेंड्स में ही जाते हुए देखने को मिलेगी। तो जब भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली 160 रुपये के नीचे आते हुए देखने को मिले, तो स्टॉक में आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, 160 में थोड़ा ज़्यादा पैसा भी लगा सकते हैं, क्योंकि 160 के आसपास से कंपनी 2-3 बार कमबैक करते हुए देखने को मिली। तो आप ये देख सकते हैं चार्ट पैटर्न में भी, तो 160 के आसपास आप स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। बात करेंगे 1 साल की, तो 1 साल में करीब 27% के रिटर्न दे चुकी है, और 5 साल की बात करें तो 229% के रिटर्न दे चुके हैं। तो बीच में तो अच्छे खासे तेजी देखने को मिली थी स्टॉक में, तो इससे ये भी रहता कि रिटेल इन्वेस्टर तेजी को देखते हुए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपने स्टॉक को अभी तक होल्ड करा है, थोड़ा और टाइम देंगे, तो डेफिनेट मार्केट में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, FIIs लगातार माल खरीदते हुए देखने को मिल रहा है, तो इससे पॉजिटिव बात है, बहुत ही अच्छी बात रहेगी अगर FIIs लगातार इस महीने भी अगर माल ऐसी खरीदते रहे, तो डेफिनेट स्टॉक में फिर से बुल मार्केट आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड जोमेटो की बात करें तो स्टॉक में भी अभी भी तेजी देखने को मिल रही है लगातार। अब बात करें 40 रुपये के बाद अच्छा खासा स्टॉक आप बोल सकते हैं कि पैसे डबल कर चुका है, मतलब 50% रिटर्न दे चुके अपने नीचे लेवल से। तो बात करें जिनके पास भी स्टॉक है, अगर आपने टॉप लेवल पे लिया तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, बट कंपनी का बिजनेस है तो आप 3 साल तक आप सोच कर रखिए, 3 साल तक आपको इस स्टॉक में प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी भले ऐड कर सकते हैं, या फिर जब तक कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस दिखाती तब तक आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करें। जिनको भी रिस्क नहीं लेते वो जब तक वेट कर सकते हैं जब तक कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस दिखाती है। मतलब कि अभी मान लो उस कंपनी क्या करती, 100 रुपये कमाती तो जरूर, बट कंपनी के खर्चे कितने 120 है, तो कंपनी को लॉस देखने को मिल जाता 20 करोड़ का। तो इस टाइप से अगर कंपनी मान लो 100 करोड़ का बिजनेस करती है और 100 करोड़ का खर्चा करती है, तो कंपनी का नो प्रॉफिट नो लॉस इस टाइप से होता है कि मतलब कुछ भी नहीं बचा। बट ये रहता कि इसमें क्या होता है, बाइंग्स देखने स्टार्ट हो जाती है। तो जिनके पास भी जोमेटो अगर पुराने टाइम से आप होल्ड कर सकते हैं, और बट फ्रेश एंट्री के लिए आप थोड़ा होल्ड वेट कर सकते हैं। मुथूट फाइनेंस की बात करें, फ्राइडे के दिन वीडियो आ चुका था, कंपनी के नंबर दोनों बेसिस में खराब देखने को मिले, तो उसी दिन वीडियो में भी बोला था कि ये कंपनी में बहुत ज़्यादा गिरावट हो सकती है। तो देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में करीब 13% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो बट लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए आप अच्छा रिटर्न भी बनेंगे, क्योंकि ये कंपनी का गोल्ड से ज़्यादा लोन देती है। तो गोल्ड आपको पता, आने वाले टाइम में गोल्ड की प्राइस जो है रहती है हमेशा ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलेगी। तो इस टाइप से अगर ये स्टॉक में आप रहते हैं तो डेफिनेट आपको अच्छे रिटर्न बनेंगे। तो नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज, कंपनी का चार्ट पैटर्न ओपन होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो स्टॉक में तो बहुत ही ज़्यादा नीचे लेवल पे ओपन होते हुए देखने को मिला था, करीब ओपन हुआ था 176 के आसपास, बट उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी रिकवरी करते हुए देखने को मिला। तो जिनके को भी स्टॉक अगर और नीचे लेवल पे मिले तो जरूर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि रिस्की कैटेगरी के स्टॉक्स में आते हैं, क्योंकि जब भी इसमें तेजी देखने को मिलेगी भयंकर तेजी और गिरावट भी देखने को मिलेगी, तो भयंकर गिरावट देखने को मिलेगी। बट स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म आपका विजन होना चाहिए, 3 से 5 साल तक स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं। तो आशा करता हूं पूरे डाउट्स क्लियर कर देंगे, और कोई क्वेरी हो अदर स्टॉक से रिलेटेड तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वी विल अनदर वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।